गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग पे। सो आज का ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज भी हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। वैसे प्रोग्राम है, वहाँ पे जा रहे हैं हम घूमने के लिए। सो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहें लास्ट तक। सो अगर मौसम की बात मैं करूँ तो क्या ही कहने वाली फीलिंग है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ख़राब है। पिछली शाम को जो वो थोड़ी बर्फबारी भी हुई थी, लेकिन अभी बारिश नहीं है, लेकिन ख़राब है थोड़ा मौसम। पर चलिए ठीक है, मतलब जाने लायक है तो हम जा सकते हैं आराम से। उससे पहले मैं थोड़ी वगैरह जो बालों की सेटिंग वगैरह करवा लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। सैलून मेरा घर पे ही है, मैं बताता हूँ आपको किस तरह का सैलून है, बने रहें। सो यही है सैलून जुगाड़। सो अभी मैं बाल वगैरह जो मैं स्ट्रेट करवा रहा हूँ, थोड़े से बाल इतने लंबे नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े, ये देखिए ये सुधा मेरे बाल जो वो स्ट्रेट कर रही है घर में ही जुगाड़ के साथ। शादी के बाद कुछ सुविधाएं जो वो मिल जाती हैं इस तरह की, यही फायदे हैं शादी के। एक दो बुरे हाल से लगी हुई है सुधा बाल स्ट्रेट करने में। वैसे बाल इतने लंबे नहीं है, पता नहीं होंगे या नहीं, हो जाएंगे कि नहीं होंगे। हो जाएंगे। नहीं, सुधा बोल रही कि हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं थोड़े थोड़े। वैसे परमिशन मेरे को मिल नहीं रही थी जाने की, बड़ी मुश्किल से परमिशन लिए कुछ जुगाड़ लगा के। देखते हैं क्या होता है आगे, बस ब्लॉग पे आप बने रहें। सो फाइनली गाइस, अभी मैं घर से जो मैं निकल पड़ा हूँ और बाल कुछ ज़्यादा स्ट्रेट हो गए हैं, मुझे ठीक करवाने पड़ेंगे। और दो लोग और मेरे साथ जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं, मैं भी मिलवाता हूँ उनसे, भी आपको मैं मिलवाता हूँ अभी रास्ते में चलते चलते। बने रहें आप ब्लॉग में। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं जानमारी गांव में, जहां पे प्रोग्राम है और जहां पे हम जा रहे हैं। और इस साइड है मेरे नील मामू जी और इस साइड है रही है। इस साइड में बता तो लाइट की थोड़ी दिक्कत है, पर राइट इस साइड है रविंदर जी, इनको भी आप जानते होंगे पहले ही, काफ़ी बार हम ब्लॉग में इकट्ठे मिल चुके हैं, मैं आपको इनको मिलवा चुका हूँ सबको। देखते हैं क्या होता है आगे। चली
Yeah.
में सो मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है, आंखें मेरी लाल हो चुकी हैं अभी, क्योंकि पिछली रात से हम बिल्कुल नहीं सोए हैं। जो माता का जागरण या जगराता था उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। वहाँ पे जो सिंगर आए थे सुहास कौशल जी, जो पहाड़ी सिंगर है, उन्होंने काफ़ी मनोरंजन किया हमारा सबका, जो वहाँ पे लोग आए थे उन सबका, क्योंकि रात भर उन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे गाने गाए और हमारा काफ़ी मनोरंजन किया। तो हम भी रात भर नाचते रहे, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने वहाँ पे।
और जो मेरे साथी थे साथ में वो भी बिल्कुल नहीं सोए थे रात को। मतलब अगर मैं बात करूं कुल मिला के तो काफ़ी सारा एंजॉय किया हमने। और जो सिंगर वगैरह वहाँ पे आए थे उन्होंने भी जो माता का जागरण में जो उन्होंने भेंटे वगैरह गाई उनको सुनने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और हमें नाचने में भी। सो आई होप गाइज आपको वीडियो जो वो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।